वेलकम टू वाइफ एकेडमी। प्यारे बच्चों, मैं देवेंद्र ठाकुर आपका वाइफ एकेडमी में स्वागत है। डाउनलोड वाइफ नीट एंड जेईई, गेट रजिस्टर्ड एंड स्टार्ट योर जर्नी विद वाइफ एकेडमी, अ ट्रू कंपेनियन ऑफ योर सक्सेस। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, यूनिट थर्ड हम शुरू करने वाले हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, आज हम मेटल्स और नॉन मेटल्स में एक जनरल इंट्रोडक्शन और साथ में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स ये करेंगे। बच्चों, जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं, जितने भी नॉन एलिमेंट है 118, उसमें 11 एलिमेंट एग्जिस्ट एज बेसिक, 2 एज लिक्विड एंड रेस्ट आर सॉलिड। अब इनमें बच्चों, जो 11 गैसेस मैंने बताई और 2 लिक्विड बताए, उनमें से एक लिक्विड ब्रोमीन, और जो 11 गैसेस हैं वो नॉन मेटल हैं और कुछ नॉन मेटल सॉलिड भी, वो 12 हैं। तो टोटल नॉन मेटल इन परमिटेबल्स आर 24 एंड रेस्ट आर मेटल्स एंड फ्यू एलिमेंट्स आर मेटल। तो बच्चों, हम मेटल्स की बात करें तो मेटल जो है वो बहुत एंशिएंट टाइम से मेटल्स के बारे में ह्यूमन बीइंग अवेयर था, और हमें पता है कि जो कॉपर है वो क्या है, वो फर्स्ट मेटल है जो जिसका यूज ह्यूमन बीइंग ने किया। उसके वेपन्स भी बनते थे, उसके बर्तन भी बनते थे, और भी कई चीजें, कई तरह के सामान कॉपर से बनाया था। तो बच्चों, आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जो मेटल्स होती हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, तो हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी कर रहे हैं, जो चैप्टर का नाम है आपके पास मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, थर्ड यूनिट है। तो बच्चों, इसमें आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं मेटल्स क्या होती हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, और साथ में हम कवर करेंगे नॉन मेटल्स और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या। तो हमने आज के इस टॉपिक में उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल की बहुत अच्छे से समझनी है, और क्योंकि साइंस कैसे चलती है, व्हाट व्हाई एंड हाउ से चलती है, एक्सप्लेनेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें इन क्वेश्चन के आंसर मिलते थे। तो बच्चों, लेट अस स्टार्ट विद अवर फर्स्ट टॉपिक मेटल्स। जनरल इंट्रोडक्शन है जिसका आपको पता होना चाहिए, जिसे मैंने बोल क्या बोला था कि कॉपर जो है, इट वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज, ये कॉपर जो है फर्स्ट मेटल यूज किया है फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, वेपन्स एंड अदर वर्क्स में इसका यूज किया जाता। देन मेटल कंस्टिट्यूट मिनरल वेल्थ ऑफ एनी नेशन, किसी भी नेशन की, किसी भी कंट्री की वो एक मिनरल वेल्थ होती है, विच इज ए मेजर ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जो उसकी प्रोस्पेरिटी को बताता है, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की, नेशन की प्रोस्पेरिटी को वो बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जो मटेरियल है दे आर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, एरोप्लेन, ऑटोमोबाइल, ट्रेन, बिल्डिंग, ईटीसी, यहाँ भी मेटल का यूज है। ठीक है, मेटल से बनती है चीजें। देन मेटल लाइक टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, जिंक, जिर्कोनियम एक्सेट्रा, दे आर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, इसमें यूज हो रही है बच्चों, ये डिफेंस इक्विपमेंट में, क्योंकि इनको अगर हम एयर के या मॉइस्चर के, एयर और मॉइस्चर के कंटेक्ट में इनको लॉन्ग टर्म रखा जाए तो ये इनमें वी कैन से क्योरोड नहीं होती, इजिली क्योरोड नहीं होगी, इसलिए ये है। देन मेटल जो यूरेनियम है, पता ना ये काफी एक्सपेंसिव मेटल है, क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियर रिएक्शन में इसका यूज होता है, जिससे हम वी कैन से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं, एनर्जी की नीड्स भी पूरी कर सकते हैं, और न्यूक्लियर वेपन्स भी बनाने के, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के भी काम, तो ये काफी एक्सपेंसिव मेटल है। तो मेटल का हमारी डेली लाइफ में भी बहुत सारा यूज होता है। कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर, दे आर यूज इन मेकिंग कॉइन्स, तो इनको कॉइन मेटल भी बोल देते हैं, ज्वेलरी भी बनती है इनसे। तो ये तो जनरल सा था, पर हम इसकी अब फिजिकल प्रॉपर्टी कह रहे हैं बच्चों। फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है मेटल्स की, वो क्या रहती है,
जो मेटल्स होती हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, आपने छोटी क्लासों में पढ़ रखा होगा कुछ एक प्रॉपर्टीज, या हम उन प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि वो उनमें जो प्रॉपर्टी है वो किन वजह से वो शो करता है, ठीक है, क्या रीजन है कि मेटल इस तरह की प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी शो करता है, हमें उसके साथ हम यहाँ डिस्कशन करेंगे और सारे जो हैं डाउट जो क्वेरी आपके दिमाग में आएगी ब्रेन में आएगी उसको हम सॉल्व आउट करेंगे। तो मेटल हैव ब्राइट लस्टर, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, मेटल्स में चमक होती है, जितनी भी मेटल होती है उनमें ब्राइट लस्टर होता है। अब मेटल्स में ब्राइट लस्टर क्यों होता है, क्यों चमकती है मेटल, ठीक है, मेटल्स क्यों चमकती है, अब ये समझना है, क्योंकि ये सफिशियंट नहीं है कि मेटल हैव ब्राइट लस्टर। आप साइंस स्टूडेंट होने की वजह से आपको पूछा जा सकता है कि भाई मेटल चमकती क्यों है, फिर क्या बताओगे, फाइन मेटल हैव अ ब्राइट लस्टर, तो सिंपल सा है कंसेप्ट बच्चों। जैसे ही जैसे सपोज हमें पता है कि जो एटम होते हैं मेटल्स के वो उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली हेल्ड होते हैं, क्या होते हैं बच्चों लूजली हेल्ड, मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे सपोज इस ऑर्बिट में फर्स्ट ऑर्बिट में ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन पड़ा है, वैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे जब भी लाइट पड़ती है, चाहे सनलाइट है चाहे कोई भी लाइट है, मैं लाइट की बात करूँ, लाइट में बच्चों एनर्जी होती है इक्वल टू एच, जिसको फोटोन बोल देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फोटोन, ये जो लाइट पड़ रही है लाइट में एनर्जी होती है, लाइट डालते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वहां पे क्या होगा, फोटोन आएगा, एक एनर्जी आएगी, ये क्या करेगा आइटम, ये उस एनर्जी जिसके ऊपर मेटल सरफेस के ऊपर पड़ती है तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा, एनर्जी गेन करेगा तो ये एक्साइट हो जाएगा इस हायर ऑर्बिटल में चला जाए या हाई ऑर्बिट में चला जाए, आप ऑर्बिटल बोल लो तो बेस्ट रहेगा, तो यहाँ पे जाएगा, समझ आ रही बात क्या हो रहा है। अब क्या करता है ये क्या करेगा, यहाँ पे कितना रहेगा बच्चों, 10^9 - 9 सेकेंड जो ये आउटर ऑर्बिट में रहेगा, हायर एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिट में रहेगा, फिर क्या करता है ये इस एनर्जी को क्या करता है, रिलीज कर देगा, जो एनर्जी इसने ली थी उसको क्या करेगा ये रिलीज कर देगा, रिलीज करेगा इन दी फॉर्म ऑफ लाइट, और वो लाइट जो है रिलीज करके ये दोबारा नीचे आ जाएगा, और जो एनर्जी निकलेगी इन दी फॉर्म ऑफ लाइट वो इसलिए हमें वो चमकती हुई दिखेगी मेरे को, ठीक है, क्योंकि बहुत कम टाइम है, 10^-9 सेकेंड ही रहेगा, यानी कि एक सेकेंड का कितना हिस्सा, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सेकेंड का इतना पार्ट, तो ये काफी कम टाइम होता है, और ये हमें जब ये लाइट छोड़ेगा और वो अपनी लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा, अपनी ग्राउंड स्टेट के द्वारा आ जाएगा, तो लाइट जो हमें वो कैसे दिखेगी, विजिबल रीजन में छोड़ेगा और वो हमें चमकती हुई दिखेगी, क्लियर है, दैट्स व्हाई मेटल हैव अ ब्राइट लस्टर। इस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, इसको आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। देन सेकेंड प्रॉपर्टी, मेटल आर जनरली हार्ड एंड सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी। अब जितनी भी मेटल होती हैं दे आर हार्ड एक्सेप्ट मर्क्यूरी, मर्करी को छोड़ के जितनी भी मेटल होंगी वो हार्ड होती हैं, ठीक है, एंड सॉलिड होती हैं, और मर्करी जो है वो लिक्विड, तो हार्ड क्यों होती है मेटल सोचो, क्योंकि जो मेटालिक बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रोंगर होते हैं, ठीक है, मेटालिक बॉन्ड की बात करें वो ज़्यादा स्ट्रोंगर होते हैं, ज़्यादा फोर्स रहेगी उनके बीच में, पॉजिटिव चार्ज कर्नल और इलेक्ट्रॉन के बीच में, इस कंसेप्ट को हम इसी डिस्कशन में करेंगे पर आगे तक थोड़ा सा आगे करेंगे, तो मेटल्स हार्ड होती हैं और हार्ड है तो वो सॉलिड है, पर कुछ मेटल्स बच्चों सॉफ्ट भी होती हैं, जैसे सोडियम है हार्ड है सॉलिड है, जैसे आपके पास आयरन है सॉफ्ट है, जैसे सोडियम है पोटेशियम है वो सॉफ्ट मेटल होती है, उनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेटल्स का जो हार्डनेस है वो किस वजह से होगी, ये विटन से मेटलिक बॉन्ड होता है मेटल्स के बीच में, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है वो सब में अलग अलग रहेगी, ठीक है, वो डिपेंड करेगा उसके चार्ज के ऊपर, और जो कर्नल के ऊपर कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कितने उसमें इलेक्ट्रॉन उसके पास है, उनकी इंट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। देन मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बच्चों, जो मेटल होती है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जितनी भी आपने देखा होगा वायर्स होती है, जैसे कॉपर है, कॉपर का नाम सुना है, कॉपर है, देन वी कैन से एल्यूमिनियम भी, क्या गुड कनेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, सिल्वर भी गुड कनेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, पर जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो मेटल टू मेटल भी वेरी करती है, ठीक है,
क्या ऐसी कोई मेटल है जो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की? क्या ऐसी कोई मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती? ये हम सीखेंगे। पहले हमें पता होना चाहिए कि जो मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास करती है। मेटल्स क्या करती है बच्चों? मेटल की जो वायर होती है इसमें क्या रहेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या रहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो वहां से जब हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्लाई करते हैं तो वो क्या करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन से वो मूव करना शुरू कर जाते हैं, मूव करेंगे और वो फ्लो वी कैन से जो इलेक्ट्रॉन्स है ठीक है वो शुरू हो जाएगा और करंट इसका अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा ठीक है। तो इसी को क्या बोलेंगे हम, जो इलेक्ट्रिसिटी जो मेटल्स हैं दे कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री मूवेबल ठीक है। इसका कंसेप्ट हम ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे नॉन मेटल में भी तो इलेक्ट्रॉन है, जैसे हम बात करें यहाँ पे ये बच्चों होता है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में मींस वैलेंस में जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको वैलेंस बैंड बोलते हैं हम। और ये कंडक्शन बैंड है, क्या है बच्चों? कंडक्शन बैंड। और ये एनर्जी गैप होता है। अब जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स के केस में क्या होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पे पड़े हैं वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं वो जब हम इसको करंट सप्लाई करते हैं, जैसे इसमें बैटरी लगा रखी है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बच्चों? इससे निकल जाते हैं बाहर। वैलेंस बैंड जो एनर्जी गैप है उसको ये क्रॉस कर जाते हैं। ये बैंड जो एनर्जी गैप है वो बिल्कुल कम होता है, इसमें ओवरलैपिंग भी हो सकता है ठीक है। ओवरलैपिंग का मतलब इस तरह से छोटा सा ओवरलैपिंग बैंड। तो ये वैलेंस बैंड है एंड दिस वन इज कंडक्शन बैंड। तो इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड में जाएगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और अगर आपके पास नॉन मेटल होगी तो ये गैप ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे जाएंगे वहीं से एनर्जी गैप को क्रॉस नहीं कर पाते दोबारा कंडक्शन बैंड की तरफ। तो इस तरह से भी हम इसको समझ सकते हैं ठीक है। देन अभी जो मैंने बोला कि जो मर्करी है, मर्करी जो है बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखना, मर्करी जो है वो पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। वो जो लेड होता है, लेड वो भी मेटल है बट इट इज ऑलमोस्ट नॉन कंडक्टिंग नेचर, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो लग गया पता, जो मेटल होती है ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट मर्करी विच इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड लेड विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ठीक है। तो ये हमारे पास देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो मेटल्स होती है बच्चों वो भी हीट की गुड कंडक्टर, हीट का गुड कंडक्टर होने की वजह से ही जितने भी हमारे किचन में जो कुकिंग के लिए बर्तन यूज होते हैं, चाहे प्रेशर कुकर है चाहे कोई और जो कुकिंग के लिए हमारे पास जो यूटेंसिल्स या बर्तन यूज होते हैं वो सारे के सारे मेटल के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं? इस प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि वो क्या करके हीट को कंडक्ट करती है ऑन मेटल्स। हीट कंडक्ट होगी तभी तो खाना बनेगा, हीट अगर कंडक्ट नहीं होगी तो खाना नहीं बनेगा, क्लियर है? तो ये कंडक्ट करती है। अब ये जो मेटल होती है वो कैसे कंडक्शन करती है हीट का? मेटल जो होती है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्योंकि मेटल्स हैव एटम्स इनसाइड देम एंड लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो उसमें मेटल्स में क्या होंगे? ज्यादा मेटल्स हैव एटम इनसाइड देम एंड लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ये रहेंगे उसमें। देन द फ्री इलेक्ट्रॉन कैन मूव अराउंड एंड वाइब्रेट, ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और वो वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट क्यों करें? क्योंकि उसको एनर्जी मिल रही है, हीट मिल रही है और वो वाइब्रेट मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी बच रही है। अब ये क्या करेंगे? अपनी काइनेटिक एनर्जी को सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन की तरफ ट्रांसफर कर देंगे और वो भी क्या करेंगे? फर्दर ट्रांसफर करते जाएंगे उस एनर्जी को और वो कंडक्ट करते रहेंगे। द होल हीट एनर्जी इज पास्ड ऑन बाई नेबरिंग इलेक्ट्रॉन वाइब्रेटिंग, तो वो वाइब्रेट करते हैं और एनर्जी को पास करते जाते हैं, इसलिए जो मेटल है वो गुड कंडक्टर होती है, क्लियर है? देन हमारे पास मेटल्स आर मेलिएबल एंड ब्रांच इनटू सी। मेटल्स क्या होती है? मेलिएबल होती है और उनको हम सी में ब्रांच कैसे क्यों करते हैं हम? देखो सपोज हमारे पास क्या है मेटल्स की, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ये कर्नल होते हैं बच्चे, ये इलेक्ट्रॉन है ठीक है, कर्नल है इलेक्ट्रॉन है, कर्नल है इलेक्ट्रॉन है। मैं थोड़े से ही बना रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज एक लिख रहा हूँ, आप ज्यादा भी हो सकते हैं वीडियो में ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन लिख दिया हमने, यहाँ पे प्रोटॉन लिखा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन
इस तरह से मैंने बनाया समझ। अब क्या होता है, जो सोर्स आप इमेजिन करो कि एक राउंड ये जो है ये रोड है मेटल्स। अब हमने क्या रहा है इसमें, ये इस तरह के इलेक्ट्रॉन रहेंगे चारों साइड, ठीक है। जब हम इसमें हैमरिंग करेंगे, हिट करेंगे किसी, तो ये क्या करेगा, ये ऐसे फैलता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो कर्नल है ये स्लिप ऑफ हो जाएंगे, स्लिप ऑफ हो जाएंगे। क्योंकि ध्यान रखना, क्योंकि जो मेटेलिक फोर्सेज होती हैं वो स्ट्रॉन्गर होती हैं, उस वजह से ये टूटता नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना, मेटेलिक जो फोर्सेज होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती हैं, इसलिए वो ब्रिटल नहीं होती मेटल। ये जो फोर्सेज हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जब हम हैमरिंग भी कर रहे हैं तो ये टूट नहीं रहे हैं, बट दे गेट स्लिप ऑफ, वो स्लिप ऑफ हो जाते हैं। और ये जैसे ये स्लिप ऑफ हो गया तो ये यहाँ आ गया, या ये और ज़्यादा दूर चले गए, ठीक है, ज़्यादा दूर भी चले हैमरिंग करेंगे तो वैसे स्लिप ऑफ हो जाएंगे। जैसे ये रोड है तो इसमें हैमरिंग करेंगे तो चपटी होती जाएगी ना, तो वैसे ही यहाँ पे जो जितने भी ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर्नल हैं इनको कर्नल बोलते हैं, के ई आर एन एल, और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन। जब हम इसको हैमरिंग करेंगे तो वो चपटी होती जाएगी, क्योंकि ये कर्नल स्लिप ऑफ हो, क्लियर है। तो मेटल्स जो हैं दे आर बिटन एंड ड्रॉन इन टू शीट्स, मेटल की हैमरिंग करके उनकी हम शीट बना सकते हैं, क्योंकि वो स्लिप ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, लग गया पता। देन हम बात करें मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, डक्टाइल होते हैं। तो उसी जो मैंने वहां पे पीछे हमने पिछले प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा, वैसे ही ये इनकी हम वायर बना सकते हैं मेटल से, ठीक है। और आपको पता ही है कि जो वी कैन से डक्टिलिटी की बात की जाए तो गोल्ड जो होता है उसका 1 ग्राम जो गोल्ड होता है उससे हम 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। क्या बोला बच्चों मैंने, 1 ग्राम गोल्ड से हम कितना बना सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। तो ये हाईली डक्टाइल है, डक्टाइल का मतलब तो होता है दे कैन बी ड्रॉन इनटू, ठीक है। देन जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है बच्चों हमारे पास, मेटल्स आर सोनोरस, दैट इज सोनोरस का मतलब क्या होता है बच्चों, दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्रक विद द हार्ड मटेरियल। जब इसको हम हार्ड मटेरियल के साथ स्ट्रक करते हैं तो वहां पे वो रिंगिंग साउंड देती है। तो आपने देखा होगा डोर बेल है चाहे कोई भी मेटल है, या स्कूल में जो बेल होती है कोई भी मेटल है, वो जब उसमें हम हैमरिंग कर रहे हैं इस तरह से स्कूल में, तो वहां पे उसकी रिंगिंग साउंड आएगी। टेम्पल्स में जो घंटी लगी होती है उनमें भी क्या वही है, मेटल्स का यूज होता है और इनकी जब हीटिंग होती है तो वो क्या करेगी, साउंड प्रोड्यूस। तो मेटल जो है सोनोरस, क्लियर है बच्चों। देन जो मेटल होती है बच्चों, मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा हाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि मेटल्स जो होती हैं उनमें जो मेटालिक बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता जाएगा उतनी ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होता जाएगा, समझा की बात। तो नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी जो बच्चों अपोजिट रहेंगी किसके, अपोजिट रहेंगी मेटल, तो मेटल के अपोजिट रहेंगे। अब जो नॉन मेटल है हमारे पास, सिंपल सी बात है, जैसे लेट अस हैव अ लुक, नॉन मेटल मे बी सॉलिड लिक्विड और गैसेस। जो नॉन मेटल होती है बच्चों वो तीनों फॉर्म में मिलती है, जो मैटर है वो सॉलिड लिक्विड गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो ये भी मैटर ही है बच्चों, जो नॉन मेटल है वो सॉलिड में भी मिलेगी, लिक्विड में मिलेगी, गैसेस में भी मिलेगी। और हमने देखा कि जो मेटल्स होती हैं वो या तो सॉलिड थी और एक मेटल हमारे पास थी। तो बच्चों मैंने क्या बोला, जो 11 नॉन मेटल्स होती हैं वो गैस होती हैं, ठीक है। ब्रोमीन नॉन मेटल है वो लिक्विड होगी, ठीक है। और जो रेस्ट 12 बच गई बच्चों वो सारे के सारे क्या हैं, जैसे कार्बन है वो सॉलिड है, ठीक है, कार्बन क्या है, सॉलिड है। उस तरह से हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों सॉलिड लिक्विड गैस हो सकते हैं, जैसे सॉलिड कौन कौन सी है, कार्बन सल्फर फास्फोरस एक्सेट्रा, और लिक्विड क्या होती है बच्चों, ब्रोमीन। और गैसेस पता ही, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, वो सारी है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ये सारी क्या है गैसेस फॉर्म में नॉन मेटल्स। नॉन मेटल की भी बहुत सारी इंपॉर्टेंस होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती इंपॉर्टेंस, दोनों की, मेटल्स की भी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, नॉन मेटल की बहुत सारी।
नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, ये क्या होती है बच्चों, सॉफ्ट होती है। जैसे वो जो मेटल्स थी वो क्या थी, हार्ड थी, सॉफ्ट भी थी और एक लिक्विड थी। नॉन मेटल क्या होंगे, सॉफ्ट ही होंगे, ये ज्यादा हार्ड नहीं होती, पर कुछ एक्सेप्शन है जैसे डायमंड, विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। तो डायमंड जो है वो एलोट्रोप है कार्बन का। और एक चीज और बताऊं मैं बच्चों, जो नॉन मेटल्स होती हैं वो एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं पर मेटल के एलोट्रोप्स नहीं होते। देन नेक्स्ट पॉइंट, नॉन मेटल्स डू नॉट शेयर लस्टर, उनमें ब्राइट लस्टर नहीं होता, चमक नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। या आप उसको कंडक्शन बैंड से भी समझा सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उस एनर्जी गैप को पास नहीं कर कर सकते और वो कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचेंगे, कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचेंगे तो कंडक्ट नहीं करेंगे, तो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल, नॉन मेटल की सीट नहीं बन सकती। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, नॉन मेटल्स वायर्स नहीं बन सकती। क्लियर है? नॉन मेटल्स विच आर सॉलिड एंड लिक्विड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। तो नॉन मेटल का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा बच्चों वो कम होगा, सिंपल रीजन, क्योंकि उनमें क्या होती है, एक तो कुछ जो गैसेस हैं, गैस के बीच में जो वीक फोर्सेज होती हैं, फोर्सेज का ही रखना है, उसमें मेटल के बॉन्ड थे, इसमें कई तरह के बॉन्ड थे। जैसे गैस है, गैस के मॉलिक्यूल में वैन डेर वाल्स फोर्सेज रहेंगी, वीक होती हैं वो, तो उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। ठीक है? और जैसे जैसे उनका साइज बढ़ता जाएगा मॉलिक्यूल का, वो वैन डेर वाल्स फोर्सेज भी स्ट्रांग होते जाएंगे और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। क्लियर है? नॉन मेटल विच आर सॉलिड एंड लिक्विड हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, तो इनका लो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट आल्सो। ठीक है? नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट क्या होते हैं, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, ग्रेफाइट है उसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। जैसे मैं डायमंड की बात करूं, डायमंड में जैसे मैं, ये अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, इस तरह से कार्बन के ऑर्बिटल होते हैं और कार्बन में टेट्रा वैलेंसी होती है चार बार। तो जो डायमंड है उसमें जो अगली कार्बन जुड़ी होती है, ठीक है, वो ये कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। अब ये जो कार्बन होती है बच्चों फर्दर, ठीक है, ये जो कार्बन है फर्दर और कार्बन से इस तरह से जुड़ी होती है, ठीक है, और ऐसे ही जुड़ती जाए। तो ये sp3 होती है, ये हाइब्रिडाइजेशन इसकी हम बात करें, जैसे यहाँ पे एक कार्बन कितने जुड़ रही है, एक दो तीन चार, ऐसे ये जुड़ती जाएगी, यानी कि इसी को यहाँ समझ लो कि इस तरह से जुड़ रही है। तो सभी के साथ यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ती। और इन केस ऑफ डायमंड, डायमंड सॉरी ये डायमंड ही है, इन केस ऑफ ग्रेफाइट वो क्या करेगी बच्चों, ग्रेफाइट के केस में यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं हम इसको, अभी आपकी समझ में नहीं आएगा, पर मैं तुम बस ये बताना चाह रहा हूँ कि वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों होता है। यहाँ पे जो वी कैन से कार्बन है वो ऐसे ही है, बाउंडेड है, पर यहाँ पे यहाँ भी कार्बन होगी, यहाँ भी कार्बन होगी, पर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन का भी फ्री होगा, इसका भी होगा, इसका भी फ्री होगा, हम जा रही बात। तो वो क्या कर रही है, सबके एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं जब हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ग्रेफाइट में, तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जितने कार्बन जुड़ते जाएंगे ना वहां पे सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, उस इलेक्ट्रॉन की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। क्लियर है? तो ग्रेफाइट जो है वो एक्सेप्शनल है। ये एक चीज और ध्यान रखना, नॉन मेटल्स में ब्राइट लश्चर होता है पर उसमें आयोडीन जो होती है उसमें वो लश्चरस होती है, वहां भी एक्सेप्शन है। देन नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, नॉन मेटल जो है वो सोनोरस नहीं होती, रिंगिंग साउंड नहीं प्रोड्यूस करेंगी व्हेन वी कैन से हिट विद हार्ड सब्सटेंस। ठीक है? तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड मिनरल्स। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो बच्चों ये जस्ट हम जनरल था डिस्कशन, और अब आपका जो टॉपिक चलेगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, वहां से आगे अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि जैसे ऐसी मेटल का नाम बताओ जो पहली बार यूज, फर्स्ट टाइम यूज हुआ इसका, ऐसी मेटल का नाम बताओ भाई जो नॉन कंडक्टर है, ठीक है, लेड। ऐसी मेटल का नाम बताओ भाई जो बैड कंडक्टर है, तो क्या होगा,
पुअर कंडक्टर है, सॉरी पुअर कंडक्टर है तो मर्क्यूरी, समझा रही, बेल कंडक्टर है तो लेड, बाकी सारी मेटल्स जो होती हैं वो कंडक्टर क्यों करती हैं, लश्कर क्यों होता है वो तो मैं समझा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।